नमस्कार दोस्तों, अगर आप 5G स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं तो इस समय आपका कम से कम 15,000 बजट तो होना ही चाहिए, क्योंकि इस बजट से नीचे बहुत ही कम स्मार्टफोन आपको 5G स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। अगर आपको 15,000 के बजट से नीचे आपको 5G स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं तो आपको स्पेसिफिकेशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बट आज मैं इस वीडियो में आपके लिए टॉप 3 ऐसे 5G स्मार्टफोन को चुन के लाया हूँ जो आपको 12,000 के बजट में मिल जाएंगे और जिनमें आपको स्पेसिफिकेशन के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। इन स्मार्टफोन में आपको बेस्ट कैमरा क्वालिटी देखने को मिलेगी, अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलेगा गेमिंग के लिए और लॉन्ग बैटरी देखने को मिलेगी। सो वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को पूरा देखना, तभी अपने लिए आप बेस्ट स्मार्टफोन चूज़ कर पाएंगे। अब बिना किसी इंट्रो के साथ वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। वीडियो शुरुआत हम थर्ड नंबर से करें तो थर्ड नंबर पर नाम आता है लावा ब्लज 5G का। इस स्मार्टफोन का प्लस पॉइंट तो ये है कि एक इंडियन स्मार्टफोन है और साथ में एक 5G स्मार्टफोन है। सो अगर आप एक इंडियन स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं तो इस स्मार्टफोन को आप कंसीडर कर सकते हैं। पहले हम इस स्मार्टफोन के डिज़ाइन के बारे में हम बात कर लें तो इस स्मार्टफोन का बैक पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है। इस स्मार्टफोन का वेट 207 ग्राम है और ये स्मार्टफोन 8.9 mm की थिकनेस के साथ आता है और इस स्मार्टफोन के साइड में आपको साइड माउंटर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। कलर ऑप्शन के बारे में हम बात करें तो ये आपको मार्केट में 2 कलर ऑप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब हम नज़र डालें स्मार्टफोन के मेन स्पेसिफिकेशन के ऊपर, तो इसमें आपको 6.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है और गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए इसमें आपको MediaTek Dimensity 700 का बेहतरीन प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि मेरे ख्याल से इस प्राइस रेंज में बेस्ट प्रोसेसर माना जाता है, जिसमें आपको 7 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन देखने को मिलेगी और इस स्मार्टफोन में आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए कैमरा क्वालिटी के ऊपर नज़र डालें तो इस स्मार्टफोन के रियर में आपको सिंगल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो कि 50MP का प्राइमरी कैमरा होगा, जिससे आप फुल HD 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे और फ्रंट में आपको 8MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। बैटरी लाइफ के बारे में हम बात करें तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी और ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। चलिए अब हम इस स्मार्टफोन के बेसिक फीचर के ऊपर नज़र डालें तो इसमें आपको वाईफाई, GPS, ब्लूटूथ 4G और 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ में आपको लाउड स्पीकर और 3.5mm का ऑडियो जैक देखने को मिलेगा। ये रहे स्मार्टफोन के मेन स्पेसिफिकेशन। अब हम स्मार्टफोन के प्राइस के ऊपर नज़र डाल लें तो इस स्मार्टफोन का प्राइस 10,999 रुपये है। चलिए अब हम बात करें सेकंड नंबर की तो सेकंड नंबर पे नाम आता है इन्फिनिक्स हॉट 20 5G का। इस स्मार्टफोन का बैक पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है और इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। वेट के बारे में हम बात करें तो इस स्मार्टफोन का वेट 204 ग्राम है और ये स्मार्टफोन 8.93mm की थिकनेस के साथ आता है। कलर ऑप्शन के बारे में हम बात करें तो ये आपको मार्केट में 3 कलर ऑप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब हम इस स्मार्टफोन के मेन स्पेसिफिकेशन की शुरुआत हमेशा की तरह इसकी डिस्प्ले से करें तो इसमें आपको 6.6 इंच का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है और गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए इसमें आपको MediaTek Dimensity 810 का बेहतरीन प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर काम करता है और इसमें आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। चलिए अब हम फोटोग्राफिंग और वीडियोग्राफिंग के लिए इसके रियर कैमरे के ऊपर नज़र डालें तो इसके रियर में आपको सिंगल रियर कैमरा सेटअप ही देखने को मिलेगा जो कि 50MP का इसका प्राइमरी कैमरा होगा और फ्रंट में आपको 8MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। चलिए अब हम बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी लाइफ के बारे में तो इसमें आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी जो कि 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी और ये स्मार्टफोन 12 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। अब हम बेसिक फीचर के बारे में हम बात करें तो इसमें आपको वाईफाई, GPS, ब्लूटूथ 4G और 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा, साथ में लाउड स्पीकर और 3.5mm का ऑडियो जैक देखने को मिलेगा और ये स्मार्टफोन आपको 11,499 रुपये में मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में बताए गए इन स्मार्टफोन को अगर आप परचेस भी करना चाहते हैं तो इन सभी के बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर इन स्मार्टफोन को आप परचेस भी कर पाएंगे। सो दोस्तों, फाइनली अब हम बात करें फर्स्ट नंबर की तो फर्स्ट नंबर पे नाम आता है सैमसंग गैलेक्सी M13 5G का। अगर आप इस बजट रेंज में सैमसंग का कोई 5G स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं ये बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए। चलिए पहले हम इस स्मार्टफोन के डिज़ाइन के ऊपर नज़र डालें तो स्मार्टफोन का बैक पूरा प्लास्टिक का बना होगा। इस स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। वेट के बारे में हम बात करें, स्मार्टफोन का वेट 195 ग्राम होगा और ये स्मार्टफोन 8.8mm की थिकनेस के साथ आएगा। कलर ऑप्शन के बारे में हम बात करें तो ये आपको मार्केट में 3 कलर ऑप्शन में मिल जाएगा।
चलिए अब हम स्मार्टफोन के मेन स्पेसिफिकेशन के बारे में हम बात कर लें तो इसमें आपको 6.5 इंच का PLS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आएगा, जिसमें आपको कॉलिंग गोरिल्ला ग्लास V3 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगा। और गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक डिमेंसिटी 700 का बेहतरीन प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि 7 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर काम करेगा, जिसमें आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। और वीडियोग्राफिंग और फोटोग्राफिंग के लिए इस करियर में आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो कि 50MP का इसका प्राइमरी कैमरा होगा। सेकेंडरी कैमरा आपको 2MP का देखने को मिलेगा जिससे आप फुल HD 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। और फ्रंट में आपको 5MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। ये थे फोटोग्राफिंग और वीडियोग्राफिंग के लिए इसके कैमरे के बारे में बात। अब हम बैटरी बैकअप के बारे में हम बात करें तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी जो कि 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। चलिए अब हम नजर डालें स्मार्टफोन के बेसिक फीचर के ऊपर तो इसमें आपको वाईफाई, GPS, ब्लूटूथ 4G और 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ में आपको लाउड स्पीकर और 3.5mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिलेगा। ये थे स्मार्टफोन के मेन स्पेसिफिकेशन। अब हम स्मार्टफोन के प्राइस के ऊपर नजर डालें तो ये स्मार्टफोन आपको 12,999 रुपये में मिल जाएगा। वैसे तो स्मार्टफोन का प्राइस हमारे बजट रेंज से थोड़ा ज़्यादा है, पर अगर आप इस स्मार्टफोन को किसी ऑफर के तहत या बैंक डिस्काउंट के साथ इसे परचेस करते हैं तो ये स्मार्टफोन आपको 12,000 के बजट में मिल जाएगा। दोस्तों ये थे टॉप 3 5G स्मार्टफोन जो कि 12,000 के बजट में आते हैं। आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा या किसी और कैटेगरी या किसी और बजट पर वीडियो चाहते मुझे कमेंट कर जरूर बता दें, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें क्योंकि काफ़ी रिसर्च काफ़ी मेहनत के बाद ही मैं आपके लिए बेस्ट स्मार्टफोन की लिस्ट ले आ पाते हैं। आपका ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।